लोग जा रहे हैं रामेश्वर महादेव बाबा के साथ। इधर नदी है और खेत काफी हरे भरे हैं इधर, और बारिश भी अभी भी होने वाली है थोड़ी देर में, क्योंकि छींटे तो लग रहे थे रास्ते में। तो देखते हैं बारिश आती है कि नहीं आती, बाकी मौसम बड़ा अल्टीमेट हो रखा है। बाबा हमारा हमारे साथ है और ये मंदिर आ चुका है, सभी प्रणाम कर लिए इसको। तो बारिश की हल्की हल्की बूंदे आना शुरू हो गई यहाँ पे, देखो तो ये भी अच्छी शुरुआत है, बारिश आने लगी। तो हम लोग पहुंच चुके हैं रामेश्वर महादेव वाले रास्ते की तरफ, और ये पहाड़ जो रामेश्वर महादेव के हैं ये शुरू हो चुके हैं यहाँ से, और काफी ज्यादा एडवेंचरस रास्ता है यहाँ पे, और हमारी जान घोड़ा भी हमें दिख चुका है यहाँ पे, तो रास्ता अच्छा होने वाला है। और हमारे बाबा हमारे साथ है, एक बार बाबा को नहीं दिखेंगे। और ये देखो क्या गजब गजब के इतने बड़े बड़े पहाड़, आपको रामजन सीरीज आप लोगों ने देखी होगी, तो इन्हीं पहाड़ों को क्रॉस करके हम लोग उस तरफ गए थे और उधर रामजन महादेव उन लोगों ने आपको दिखाए थे। तो ये काफ़ी ज़्यादा एडवेंचर वाली सीरीज रही थी। इस टाइम पे हम लोग फैमिली के साथ हैं तो उधर नहीं जा पाएंगे, इस तरफ में ही आप लोगों को यहीं से दिखाएंगे। और पर काफ़ी ज़्यादा लाजवाब है पहाड़ वगैरह, हरियाली से भरे हुए, और मौसम भी लाजवाब हो रहा है आज। आगे गजब का मौसम बना हुआ बारिश का, और अभी ये पहाड़ जो है ये अपने आप में बहुत लाजवाब है, तो ऐसे अल्टीमेट पहाड़। और इसके बीच में एक झरना भी है, मैं आपको दिखाता हूँ एक सेकंड को। ये देखो ये वाले जो लोकेशन है इसमें बीच में झरना है, छोटा सा टिप टिप करता है, ज़्यादा बड़ा झरना नहीं है, टिप टिप नहीं, बहुत शानदार। और कभी अकेले आए तो इधर चल के आएंगे एक बार, मतलब बिना राहुल बाबा के आए तो इधर चल के आएंगे एक बार। तो बड़ी कोशिशों के बाद और इस शानदार मौसम में हम लोग आ चुके हैं रामेश्वर महादेव के। तो ये है रामेश्वर महादेव का मेन एंट्रेंस। और ऐसा कुछ दरवाजा दिखता है। और ये है वादियाँ और ये पहाड़ जो रामेश्वर महादेव की तरफ हमें लेके जाते हैं, और काफ़ी ज़्यादा सुंदर हैं ये। बाकी अभी बारिश आ रही है तो ग्लासेस वगैरह सही से मैनेज मेंशन दिख पाएंगे या नहीं दिख पाएंगे बताएंगे नहीं पता। अब ये देखिए आप इधर से बिल्कुल प्योर नज़ारा, बाकी रोड अब डैमेजेस भी मिल सकते हैं रास्ते में, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है हमें इधर आए हैं, और रास्ते ही है वास्तव में गजब शानदार। अभी इन रास्तों पे कभी झंडे चला करते थे पर रोड बनने की वजह से ये देखो ऐसा कुछ हो गया। बाकी जय गो माता। जैसे पहाड़ और अभी इस जगह पे बन चुका है फ्लाईओवर, यहाँ पे ही अधिकतर रुकावट आते थे, तो अभी यहाँ फ्लावर प्रॉपर फ्लावर बन चुका है, तो अब कोई दिक्कत नहीं आने वाली है आने वाले यात्रियों को। और ये देखो यार क्या गजब के नज़ारे हैं इस तरफ में शानदार, पूरे पहाड़ देख रहे ना आप सामने, शानदार। वो भी मौसम ऐसा हो रखा है और ये बिल्कुल शानदार नज़ारे हैं इस तरफ में, और एक नज़ारे आगे भी देख लो आप। जितनी आई है कि देखो पेड़ ही उखड़ के गिर चुका है यहाँ पर। तो अभी एंट्रेंस कर लिया है हम लोगों ने रामेश्वर महादेव के यहाँ पे, और नज़ारे काफ़ी ज़्यादा सुंदर हैं, और वास्तव में देवस्थान अपने आप में ही बहुत सुंदर लगता है। तो ये है बात, और इस तरफ से आप देख ही सकते हैं कि कितना गजब है,
और ये बारिश की वजह से हमारे शीशे थोड़े से गंदे हो गए हैं, तो वो थोड़ा एक इशू हो सकता है आपको सही से विजिबिलिटी में। बाकी इस तरफ से मैं आपको दिखा रहा हूँ ग्लास डाउन करके, बाकी है अल्टीमेट पूरा एरिया हरा भरा बिल्कुल। ये बिल्कुल गजब, और आज के दिन जितनी भीड़ मैंने एक्सपेक्ट की थी वो है नहीं, क्योंकि यहाँ तक जाम लगा रहता था पहले बंदर महाराज तक, और आज कुछ भी नहीं है। सो है तो सही थोड़ा बहुत है, पर इतना नहीं है जितना हम लोग सोच के आए थे कि बहुत ज़्यादा बड़ा जाम मिलेगा, ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बाकी वही पेड़ पौधे पर काफ़ी ज़्यादा हरे भरे हैं, क्योंकि बारिश की एक बूंद भी ये जो जंगल वाले पौधे होते हैं इनको हरा कर देती है। बाबा हमारा आ चुका है, राम शर्मा महादेव, राम शर्मा महादेव के, और ऐसे कुछ धर्मशाला वगैरह यहाँ पर बनी हुई है, और काफ़ी ज़्यादा शानदार मंदिर है। ऊपर मौसम काफ़ी ज़्यादा होने वाला बारिश का, तो एनवायरनमेंट तो काफ़ी ज़्यादा रेडीमेड है, और यहाँ पर हमेशा ही मतलब रसोईयाँ वगैरह जो होती है, मतलब भोजन प्रसादी हमेशा चलती रहती है, और काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार और अच्छी सुंदर भगवान की पवित्र जगह है, जो जहाँ आपका मन प्रसन्न हो जाएगा आने के बाद, इतनी सुंदर है बिल्कुल। यहाँ से चढ़ने पे एकदम से वो केदारनाथ वाली फीलिंग आती है, क्योंकि वो पहाड़ बड़े बड़े हैं उस तरीके से, बस वो है कि वो हरे भरे पहाड़ नहीं है। तो यहाँ पे 24 घंटे रामधुनी चलती है, राम राम बाबा, जय श्री राम। तो ये है बहुत पवित्र स्थल, ये आप जरूर बता रहे हैं यहाँ पे, आपको ये श्रावण महीना बहुत यादगार रहेगा अगर आप पधार दें तो, क्योंकि इतनी पवित्र और इतनी अच्छी जगह है रामेश्वर महादेव बूंदी। तो रामेश्वर महादेव के यहाँ बारिश हो गई है, और ये देखो बहुत गजब की बारिश आ रही है, काफी सारे बंदर यहाँ पे, और मौसम काफी ज्यादा पहाड़ के थे ऊपर रामेश्वर महादेव के, और काफ़ी ज़्यादा देखने की चीज़ें हैं, और काफ़ी पुरानी स्थिति है यहाँ पर, तो इस तरफ भी देखने चलेंगे अगर बारिश नहीं आई तो, बाकी वाटरफॉल की साइड चलेंगे भी। ये है महादेव जी की कोई तस्तरी, भोलेनाथ प्राचीन बने हुए रामेश्वर महादेव सदियों पुराने, ये गुफा है अपने आप बनी हुई है रामेश्वर, ये अपने आप गुफा बनी हुई है, ये माता पार्वती गुफा दरवाजा बना हुआ है प्राचीन। तो ये है यहाँ पे, और इसके अंदर है गौ माता के थन, जो कि आप इस वीडियो में देखेंगे, वो देखो ऊपर चल के मैं आपको अंदर तक लेके जाता हूँ, वो देखो इसमें दिखेंगे आपको पूरी प्रॉपर की वजह से कवर की हुई है, बाकी तो काफ़ी ज़्यादा सही है। और ये देखिए मैं इसको आपको एक बार पूरा दिखाता हूँ, पीछे पूरा जंगल है, और ये कवर्ड है बंदरों की वजह से, क्योंकि बंदर काफ़ी ज़्यादा अंदर आके फिर परेशानी पैदा करते हैं।
पीछे भी धुनी वगैरह के लिए जगह है और मंदिर है और प्राचीन गुफा है, और इस तरफ से एक फ्लाईओवर है जहाँ पे पानी और क्रॉसिंग होती है। तो ये है हमारे राहुल बाबा। इतना शानदार नज़ारा है यहाँ का और बहुत सुंदर। ये देखो विराजमान है यहाँ पे, और ये देखो वानरों की सेना, और इस तरफ में भी शिवलिंग है और यहाँ पे शिवलिंग है। देखो आप, क्योंकि मैं आपको ऊपर चल के दिखाता हूँ, यहाँ से भी 12 महीने पानी टिप टिप करता है। और ये देखो आप, ये शिवलिंग है यहाँ पे, और ये पानी यहाँ से हमेशा टिप टिप करता रहता है, मतलब शिवलिंग का अभिषेक होता रहता है 12 महीने। साथ ही साथ अब नीचे चलते हैं और आपको दिखाते हैं वाटरफॉल। तो ये यहाँ का वाटरफॉल है, क्योंकि तो अभी थोड़ा ही चल रहा है, पर बाकी जब बारिश आएगी तब इतना लाजवाब चलता है। मैं इसमें सीन्स ऐड कर दूँगा। और ये वार्निंग है यहाँ पे, सूचना भी है, वार्निंग भी है, जो भी आप लेना चाहो। पर बाकी यार एकदम इतना अल्टीमेट और इतनी शानदार जगह है ना, जाने के बाद आपको पूरा मन खुश होने वाला है। और ये देखो छींटे आ रहे हैं लगातार, बारिश आ रही है। और ये जब फुल फ्लो में चलता है उसका भी मैं एक सीन ऐड कर दूंगा इसमें, देख लीजिए। और यहाँ पे इस शिवलिंग पे तो हमेशा पानी गिरता है यहाँ पे शंकर भगवान के ऊपर, क्योंकि ये वाटरफॉल हमेशा चल रहता है, पर जब भी जोर से चलता है तो यहाँ पे आना भी अलाउड नहीं होता, वहाँ से ही बनाते हैं हम लोग। ये हमारे बाबा, ये वाटरफॉल से आने वाला पानी सीधा यहाँ पे आता है, और ये वाली जो गुफा है यहाँ पे जाता है, यहाँ पे महाराज श्री विराजते हैं। साथ ही के साथ एक और ब्रिज है जो कि काफ़ी ज़्यादा सुंदर एक बनावट दी गई है इसकी, और मंदिर वगैरह काफ़ी ज़्यादा हैं, और ऐसा कुछ नज़ारा है यहाँ का काफ़ी ज़्यादा सुंदर। तो वो है शंकर भगवान का मंदिर ऊपर, और हम लोग यहाँ पर नीचे हैं। क्या लोग हैं, बारिश लगभग रेगुलरली आ रही है देखो। और हम लोग भी इस वाले जंगल से निकल गए, जंगल से क्या मतलब, इस वाले जो नीचे वाले मंदिर मैंने ऊपर से दिखाए थे वो वहाँ से हम लोग आए हैं और वहाँ से निकले हैं। और ये ऐसा कुछ व्यू है यहाँ का, मंदिर काफ़ी ज़्यादा है यार, तो कभी ऐसा लगा रहता है कि कुछ भी छीनने को तैयार बैठे रहते, काफ़ी ज़्यादा केयरफुली वीडियो रिकॉर्डिंग भी करनी पड़ रही है। पौराणिक मूर्तियां हैं यहाँ पे रामेश्वर महादेव जी के यहाँ पे, और बारिश होने के कारण अभी हम लोग रोड के चल रहे हैं, देख लीजिए। और ऐसे हमारे दर्शन रहे यहाँ के बहुत शानदार। जय हो रामेश्वर महादेव की जय। और रामधुनी 24 घंटे चलती है यहाँ पे, तो इन सभी राम भक्तों के लिए भी जय श्री राम। पहले यहाँ पे थोड़ी देर, हाँ, और तो ये ऐसा कुछ रामेश्वर महादेव का मंदिर है, और ऐसा एनवायरनमेंट है यहाँ का, हरियाली। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर सपोर्टिंग।